बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कामरान इस्लाम और मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आज हम वीलॉग में आपको एक माइक्रोवेव बनाया है मेरे पास, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको फिजिकली मैं दिखाऊंगा कि इसमें इशू क्या है ऑन करने से पहले। ये देखें, ये बोर्ड बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और इसका जो है इसकी बॉडी में भी सुराख हो गया, जंग लग गया है, सुराख हो गया है, डस्टी हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये प्रॉब्लम ये करता है कि जब हम इसको पावर लगाते हैं, पावर दे के रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि ये स्पार्क करता है बहुत ज़्यादा ना, पटाखे लगाता है। तो सबसे पहले हम इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे, सफाई कैसे करेंगे इसकी, वो सारा को दिखाऊंगा और उसके बाद आपको मैं इसकी ट्रबल शूटिंग बताऊँगा। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, ये स्पार्किंग करने शुरू हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। दो तीन चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करनी है आपने, आप वो करेंगे इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इन केस अगर नहीं सॉल्व होता तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरे पास लाएँ, मैं आपको रिपेयर करके दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। पहले हम सर्विस करेंगे इसकी सारी, जो इसके अंदर जंग है या जो भी डस्टी है ये उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसको जो होल हुआ हुआ है इसके अंदर, इसको हम किसी तरीके से बंद करेंगे ताकि दोबारा स्पार्क ना करे। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम इसको। अच्छा फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल सा, घर में ये स्कॉच ब्राइट होता है, फोम होता है और ये लिक्विड होता है, ये विम वगैरह जिससे आप सफाई करते हैं, ठीक है, उससे आपने इसको सफाई कर देंगे। ठीक है, इसको लगा लेंगे आप हल्का सा इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा पानी मिक्स किया हुआ है थोड़ा सा इसके अंदर। ठीक है, अभी आप इसको देखें, ये क्लीन होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ही आपने इसको क्लीन कर लेना से। ये जो ऑयल जम जाता है ना, ऑयल जमने की वजह से ये स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होने की वजह से फिर ये इसके कंपोनेंट अंदर से शॉर्ट हो जाते हैं। ये अगर आप इसकी सफाई रखेंगे तो ये शॉर्टेज नहीं होगी इसके अंदर, क्लीन रहेगा। हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में जितना आपका वर्कलोड है इसके ऊपर, उस हिसाब से इसकी सफाई कर लें। सफाई करने के बाद फिर इसको यूज़ करें। अगर ये इस तरह इस हालत में रहेगा तो ये लाजमी स्पार करेगा, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, हम इसको पूरा इस तरह क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं कितना साफ है। पहले आपने देख लिया, उसके बाद अच्छा दूसरी चीज़ एक और फ्रेंड में आपको दिखाना है, तो मैं थोड़ा कैमरा आगे दें। ये देखें, ये इसका पेपर होता है, ये पेपर ब्लैक हुआ हुआ है नज़र आ रहा है आपको, मैं इसको उतार के आपको दिखाता हूँ। ये पेपर देखें, यहाँ से ब्लैक हुआ हुआ है, क्लोज़ करें थोड़ा सा, ये ब्लैक हुआ हुआ है। ठीक है, ये जब ज़्यादा ब्लैक होने शुरू हो जाता है ये भी स्पार्क करने शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको भी आपने साफ कर लेना है। ठीक है, लेकिन ड्राई कर लेना अच्छे से, गीला ना रहे। ये फ्रंट बार से भी इसको अच्छे से साफ कर लें आप। ये देखिए कि आप जब इसको क्लीन करूँगा फिर, और पहले आपने देखा था क्या कंडीशन थी इसकी साफ करने के बाद क्या। अच्छा फ्रेंड्स, अभी ये आप इसको देखें, ये क्लीन हो गया है। ठीक है, जितना क्लीन हो सका है क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी थी। अभी ये देखें, मैंने इसको क्लीन कर दिया, शीशा वगैरह ये अंदर से साफ हो गया है। अब बेसिक जो इशू है अब इसका ये है कि ये जो इसमें होल हो गया है इसको हम कैसे बंद करेंगे। ठीक है, इस पर देखें आप, ये जंग लग गया, इसका जो पुराना वाला पेंट था ये उतर गया सारा। ठीक है, जो उतर गया है वो उसको मज़ीद, अब जो उतरने वाला है उसको हम थोड़ा सा और किसी चीज़ का स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करके हम इसको ये सारा उतारेंगे। उतारने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये होल कैसे बंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हाई वोल्टेज होते हैं, इसने हीट भी होना होता है, कोई ऐसी चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके और दोबारा यहाँ से ये ना उतरे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं इसको इसका पहले पेंट उतारूँगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्क्रैच कर लेते हैं ताकि जो ये पेंट जल गया है ना इसको हम साफ कर लें, ताकि जो चीज़ भी हम इसके ऊपर लगाएं वो अच्छे से ग्रिप कर लें। अब ये पेंट उतर गया इसका, इसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ मेटल की लगाएंगे, ये भी लोहा है, हम लोहे की ऐसी चीज़ लगाएंगे जो इसके ऊपर चिपक जाए आसानी के साथ। उसके लिए मैजिक यूज़ करेंगे, क्योंकि मैजिक जो है टेम्परेचर ज़्यादा जज्ब कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो ये कि जल्दी ख़राब नहीं होगी, उतरेगी नहीं। ठीक है, इसको हम सारा जितना पेंट लगा हुआ इसको स्क्रैच कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये पेंट दोबारा स्पार्क ना जाए, ये जब पेंट अपनी जगह से उतर जाता है तो स्पार्क करता है। ठीक है, इसको हम सारा उतार लेंगे पेंट, जहाँ जहाँ उतरने वाला पेंट। ये
देखें फ्रेंड्स, अब मैंने ना इसका जितना पेंट उतरता था वो मैंने पेंट इसका उतार लिया है। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो चीज़ भी हम इसके ऊपर लगाएं वो इजीली इसके ऊपर वर्किंग करें तो वो अच्छे से काम करे। ठीक है, ये लिया इसको, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स देखें, मैंने ये एक नॉर्मली प्लेट होती है, कोई भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये लोहे की प्लेट है, छोटी सी पतली सी प्लेट है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रखेंगे, देखें ये होल बंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको बंद करने के लिए अब ये देखें, ये पूरे साइज़ का आ गया। अब हम इसके नीचे मैजिक लगाएंगे, ठीक है। मैजिक से ये होगा कि यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, उतरेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इसको फाइनली जब इसको करेंगे फिर इसको हम पेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम फिक्स करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैजिक है, ठीक है, इसको हम डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैजिक असल में ये हीट को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर लेती है और ये ख़राब भी नहीं होती जल्दी, काफ़ी टाइम निकालती है, मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होती है ये, तो हम इसको इस तरह से यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। अब हम इसको इसकी सरफेस के ऊपर जहाँ हमने वो लोहे की प्लेट लगानी है उसके ऊपर लगाते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी हो गई है, इसको और मैंने करेगी रोक। अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, जब ये ड्राई हो जाएगी फिर अब इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये मैंने इसके ऊपर प्लेट लगा के जोड़ दी है, ये अब मैजिक लगे, हमने इसको ड्राई हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रब कर लेंगे एमरी पेपर के साथ, ताकि जब इसका व्हील ड्राइव करे इसके ऊपर तो ये बीच में कोई रुकावट ना पैदा करे, ठीक है। इसको हल्का सा हम रब करेंगे एमरी पेपर के साथ। ये इसके एजेस जितने भी हैं ना, इनको हम देखें, आप देखें कलर चेंज हो रहा है इसका, इस साइड से रब हो रहे हैं, ठीक है। रब होने से ये होगा कि ये इनमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा, रबर रुकेगा नहीं, टायर इजीली टायर ड्राइव करेगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको इस जो सरफेस को हम पेंट कर देंगे ताकि ये मज़ीद बेहतर हो जाए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम पेंट कर देते हैं। पेंट पेंट हो गया, ये ड्राई होगा, हम इसके ऊपर दो तीन कोट पेंट के और करेंगे, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे और घर में यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको ड्राई होने में तकरीबन आधा घंटा या एक घंटा लगेगा। अब इसको अच्छे से ड्राई होने दें, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर आप इसको यूज़ करें, ठीक है, ड्राई होने से पहले यूज़ ना करें। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इस पेपर को ना, इस पेपर को भी हम उतार लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया है और ये यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक भी हो गया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नया लगा देंगे ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना करे, ओके। फिर मैंने नया पेपर परचेज़ किया है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उसको हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। निशान लगाने के बाद कटर से या इधर से काट लेते हैं, ठीक है। ये निशान लग गया, हम इसको काट लेंगे। अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसके किसी साइड भी फिक्स कर सकते हैं, दोनों साइड सेम एक जैसी होती हैं। अच्छा फ्रेंड देखें, ये साइडों पे क्लिप्स होते हैं इसके, ठीक है, ऐसे क्लिप्स में इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको एक साइड से बैंड करेंगे और इसको हम यहाँ पे फंसा देंगे, ठीक है।
ठीक हो गया, ये देखें ये हो गया फिक्स। ओके उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।